अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। राजनगर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया, इनके कब्जे से गांजा बरामद किया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजनगर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक ये लोग गांजा बेचा करते थे। एक इत्तला मिलने पर आरमगढ़ चौराहे पर इनको गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 72,000 रुपए नकद रकम, 3 सेलफोन, 1 मोटरसाइकिल और 7 किलो गांजा बरामद किया। सारे तफसीलात राजनगर ACP अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कही। अब्दुल खालिद खान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। गांजा का इन्फॉर्मेशन है, सस्पेक्टेड मूवमेंट में लोग लाए बोल के ड्रग्स में का बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आया था। इमिडिएटली हमारा क्राइम इंस्पेक्टर अशोक को हमारा SHO ने भेज दिया, तो उधर 3 लोग सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मिले हमको। उसके पास एक प्लास्टिक कवर था, उसको चेक किया तो उसमें गांजा मिला है। और उनके साथ 3 लोग हैं, एक लोगों का इंक्वायरी करें तो एक का नाम है मलेश है, दूसरा उमेश शाह है, तीसरा बुकिया साई कुमार नायक है। ये 3 लोगों की इंटरागेशन करें तो ये बोल रहा है कि ये 8 kg गांजा एक 10 दिन के पहले वो आदिलाबाद से तुकाराम के बोल के एक आदमी है, उन्हें उधर लोकल गांजा का प्लांटेशन करके उधर से इधर हैदराबाद को या बेंगलोर को सप्लाई करता है, वहाँ से ला लिया। वो 2 kg का गांजा ऑलरेडी वो लोग सेल कर दिया और 6 kg का गांजा हमको कल मिला है। उसके पास साथ साथ और एक ग्लैमर बाइक भी मिला है, 3 सेलफोन्स उनके साथ मिला है और एक नेट कैश अराउंड 72,500 रुपीज़ नेट कैश भी उनके साथ हम सीज किया है। फर्दर इंक्वायरी में ये रिवील किया कि मल्लेश का आदमी के ऊपर और भरत के ऊपर पहले भी हमारा पास केसेस है। महिला डिपेल में एक केस है और राजनगर में एक है, आसिफ नगर में है, नारसिंह में है। और ये बुकिया साई कुमार नायक जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यहाँ हैदराबाद काम कर चुका है और अभी बेंगलोर तबादल हुआ, वो बेंगलोर में उधर सप्लाई कर रहा है। वो क्या है, पूरा कस्टमर्स को करके उन्हें इन लोगों को बोल देते, वो लोग आके कर देता है। ये लोग क्या करता है, एक 50 ग्राम का एक एक पैकेट करके डोर डिलीवरी सर्विसेज देता है, इसलिए उन लोगों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सो उस डोर डिलीवरी में रेट का भी 500 हो सकता है, उनका शेयर बाजार जैसा नीचे ऊपर डिमांड एंड सप्लाई उसके ऊपर वो चलता है। और ये लोगों को 3 लोगों को हम गिरफ्तार करें, अभी मल्लेश, उमेश शाह, बुकिया साई कुमार और 3 लोग अब स्कैंडिंग में, एक भरत है, सुधाकर है, तुकाराम है, इन लोगों के लिए एक सेपरेट टीम लगा है। वो लोगों को भी जल्द से जल्द हम अरेस्ट कर देता है। इस सिलसिला में इस मामले में अच्छे काम करे से हमारा SOT इंस्पेक्टर प्रवीण रेड्डी और हमारा DI साहब अशोक, SHO सुरेश साहब लोगों को बधाई दे रहा है और रिवार्ड्स भी देने का कमिश्नर साहब ने डिसीजन ले लिया है। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।